वोटों के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि लोग सुनते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक लोग सुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ऐसे ही जुमले बोलते रहेंगे। ये उनका एक वादा है और उसी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में अगर किसी व्यक्ति को आप भगवान मानते हो तो ये लोकतंत्र की जगह तानाशाही बन जाएगी। खड़गे ने संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों, खासतौर से एससी एसटी और अन्य कमजोर तबकों को एक साथ आने की अपील की। खड़गे ने आगे कहा, हर बात के लिए मोदी मोदी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति को आपको भगवान बनाते हैं तो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाता। यह कदम लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ ले जाएगा। इस बारे में आप सभी को सोचना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने अधिकारों को आप सभी को जानना है, इसके लिए संघर्ष करना होगा। ये वोटों के लिए नहीं है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए है, आपके हित के लिए है, किसानों के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, महिलाओं के हित के लिए है, दलितों के हित के लिए है। ये वो जो कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वोटों के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि लोग सुनते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक लोग सुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ऐसे ही जुमले बोलते रहेंगे। ये उनका एक वादा है और उसी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इसी साल अप्रैल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर कर्नाटक कांग्रेस द्वारा एससी एसटी समुदायों के एक बड़े सम्मेलन एकता समावेश का आयोजन किया गया था, जिसको मल्लिका अर्जुन खड़गे संबोधित कर रहे थे। उसमें खड़गे ने कहा, अगर आपके पास शक्ति है और आप एकजुट है तो आपकी वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आप एकजुट नहीं है, हर कोई आपको बांटकर राज करने वाला सिद्धांत आपके ऊपर लागू करेगा, जैसे अंग्रेजों ने किया और अब मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के लोकतंत्र संविधान की रक्षा करना होना चाहिए। खड़गे आगे बोलते हैं, देश में संविधान और लोकतंत्र अगर है तो इसके जरिए कोई भी आरक्षण और प्रमोशन की मांग कर सकता है। लोकतंत्र के जरिए ही कोई भी विधायक या मंत्री बन सकता है। कांग्रेस प्रमुख ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर कहा कि यात्रा में लाखों लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। यह एक राष्ट्रव्यापी यात्रा है। इसका केंद्र बेरोजगारी, महंगाई, अन्य मुद्दे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।